हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आपने इससे पहले के चार वीडियो अगर नहीं देखे तो पहले आप उन चार वीडियो को देखो, क्योंकि वहाँ से आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। चलिए, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, उसको पढ़ना, उसके हिसाब से फिर देखना कि ये डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेट आर्टिकल में द का इस्तेमाल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है। ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन हो और किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, स्वर हो, तब एन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, वी स्टडी इन सेम स्कूल। वी स्टडी इन सेम स्कूल, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब बताइए, ये डेफिनेट बात है या इनडेफिनेट बात है? हम कैसी स्कूल में पढ़ते हैं? सेम, मतलब ये एक डेफिनेट स्कूल की बात है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। द का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ किसी नाउन या किसी सिंगुलर वर्ड को ज़्यादा तरीके से डिफाइनेट करना होता है। स्पेशल केस के लिए द का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज सफर्ड लॉट, क्या आएगा? उसने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, क्या आना चाहिए आर्टिकल यहाँ पर आएगा? देखो यहाँ पर लॉट लिखा है, तो लॉट का किस तरह से प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है? यहाँ पर लिखा है लॉट। अब देखो यहाँ पर ये जो लॉट लिखा है ये एक प्रकार का व्यंजन है, और जहाँ पर व्यंजन होता है वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे, मतलब ये जो एक्सप्रेस है यही लेट हुई है आज। मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल की बात होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये इस ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन तो कई सारी है, लेकिन इसी ट्रेन की बात हो रही है जो आज लेट हुई है। तो क्या आएगा? द चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे, ऑप्शन नंबर सी। राम इज टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। राम इज टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अगर आप इसको देखोगे इस सेंटेंस को, तो ये लिखा इस प्रकार से है कि राम सबसे ऊंचा लड़का है इस क्लास में। अब देखो जहाँ पर भी अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है वहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होता है। ये रूल आप नोट करना, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो क्या हो जाएगा? राम इज़ द टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। राम इज़ द टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। इज इट क्लियर टू एवरी वन? ओके, चले आगे। चलो देखो ये लिखा इस प्रकार से है, ए फॉक्स इज क्लेवर देन क्राउ, मतलब एक लोमड़ी एक कौवे की तुलना में चतुर है। एक लोमड़ी एक कौवे की तुलना में चतुर है। अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर लिखा है फॉक्स। अब ये फॉक्स कैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है? ये व्यंजन का साउंड दे रहा है। ध्यान रखें, आप साउंड को देखें, ये साउंड कैसा आ रहा है? व्यंजन का। तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखो ये जो क्राउ लिखा है मतलब कौवा। अब यहाँ पर बताओ कि किस तरह का आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर एन आर्टिकल तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो एक क्राउ लिखा है इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, मतलब कि व्यंजन है, और हम जानते हैं कि जहाँ पर व्यंजन होगा वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। डेफिनेट आर्टिकल जैसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौवे का कोई स्पेशल जिक्र नहीं किया है पहले किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। ए फॉक्स इज क्लेवर देन अ क्राउ, नंबर ए। अगला पॉइंट है, कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। इस लड़के की हालत खराब है, बताइए क्या आर्टिकल यूज होगा? किस लड़के की बात करी? इस लड़के की बात करी। ठीक है, किस लड़के की बात करी? द बॉय, मतलब किसी डेफिनेट आर्टिकल, मतलब डेफिनेट पर्सन की बात करी,
तो उसकी स्थिति बता रहे हैं, तो क्या होएगा? द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस, ठीक है, इसी लड़के की कंडीशन सीरियस है, आप समझ गए? चलो यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर 3, द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। नेक्स्ट पॉइंट, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, मतलब अमीर हमेशा दयालु नहीं होते हैं। एक प्रकार की समूह की बात हुई है, जाति की बात हुई है, मतलब अमीर लोगों की बात हुई है, तो बताओ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ये पिछले वीडियोस में सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, याद रखना, एक जाति की बात हो रही है, पूरी जाति को डिफाइन किया जा रहा है, मतलब कि अमीर लोग हमेशा ही दयालु नहीं होते, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पे? डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, अमीर लोगों की बात करिए तो, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। चलो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? सोना एक कीमती धातु है, सोना एक कीमती धातु है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आर्टिकल आना चाहिए? आपने अर्थ समझ लिया तो आपको ये आना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड हेल्प पुअर, वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? हमें किसकी मदद करना चाहिए? हमें गरीब व्यक्तियों की मदद करना चाहिए, ठीक है, अमीर लोगों की नहीं कहा है, इसकी बात हुई है पुअर पर्सन की, तो क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मतलब गरीबों की मदद करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्विमिंग इज यूजफुल एक्सरसाइज, तैरना उपयोगी व्यायाम है, तैरना उपयोगी व्यायाम है। देखो यहाँ पर लिखा है यूजफुल, देखो इसने सिर्फ कहा है यूजफुल एक्सरसाइज, तो ये कोई डेफिनाइट आर्टिकल की कोई बात नहीं हुई है, तो द का इस्तेमाल तो किसी भी तरह से नहीं होगा। अब रह गए हमारे पास दो केस, तो ए और एन, ठीक है, ये भी यूज़ होगा आगे चल के, इसका भी जिक्र होगा, जहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता वो भी हमें देखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूजफुल लिखा है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन साउंड दे रहा है, यूजफुल लिखा है, भले ही यहाँ पर स्वर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वोवेल का इस्तेमाल हुआ है जो कि यू है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमें इसका साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन है या स्वर है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विमिंग इज अ यूजफुल एक्सरसाइज, इज इट क्लियर?